जन्म जयंती को हम सब लोग मनाते हैं, तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो भारत की राजनीति में सर्वस्वीकार सर्वमान्य ऐसा नेता कोई हो सकता है, तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी इस भारत की राजनीति में एक आदर्श उदाहरण के तौर पर हम सब लोग देखते हैं। उन लोगों का सौभाग्य जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व के साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है, लेकिन हम सब लोगों की पीढ़ी, क्योंकि अटल जी एक कुशल राजनेता के साथ अच्छे कवि भी थे और अच्छे पत्रकार भी थे, तो इस नाते से जिन्होंने काम किया उनका तो सौभाग्य है, लेकिन आज की पीढ़ी उसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर उन बातों से आपके माध्यम से अवगत कराना भी जरूरी होता है कि भारत के राजनीति में एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने इस देश को गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट भारत की राजनीति में दिया। एक अच्छा सुशासन कैसे दिया जा सकता है, इसके एक आइडियल उदाहरण और वो संकल्प सुशासन का श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रस्तुत किया और प्रत्यक्ष जमीन पर व्यवहार में उतारने का काम आज भारत के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप देखिए कि योग कैसा है, एक ऐसा नेता जो सर्वमान्य, जिसने भारत की राजनीति में ये कल्पनाएं की और संकल्प लिया, तो एक ऐसा नेता जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, आज दुनिया के अंदर 76% लोग दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मानते हैं, तो अटल जी के उन संकल्पों को पूरा करने का काम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार अगर बहुमत में होती तो सबसे पहले मैं धारा 370 हटाता। आज हमें गर्व है कि अटल जी के उस सपने को, उस संकल्प को पूरा करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अटल, अडिग, अद्वितीय, अद्भुत भाजपा के आधार स्तंभ, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा के स्रोत, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर मैं उन्हें कोटि से नमन करता हूं। उनका व्यक्तित्व अटल है, कृतित्व अटल है, विचार अटल है, वे सदैव अटल हैं। इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने नेतृत्व में इस भारत के अंदर एक नहीं कई मार्ग को प्रशस्त किया। इन रास्तों के माध्यम से दुनिया में भारत को ऊंचाइयों पर ले जाना, लोगों को जोड़ने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके नेतृत्व में इस देश के अंदर किया। मैं मीडिया के मित्रों को आज एक बात जरूर आज अटल जी की जन्म जयंती पर कहना चाहता हूं कि जब जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में, जब पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, तब उन्होंने कहा था, उनका जब संबोधन था राष्ट्रीय कार्य समिति को, राष्ट्रीय अधिवेशन को, तब उन्होंने कहा था कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। आज आप देखिए कि ऐसा विजनरी व्यक्तित्व और नेतृत्व कि उन्होंने कब ये कल्पना की थी, और आज हम देखते हैं कि पूरे भारत के अंदर नहीं दुनिया के अंदर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा और कल्पना की, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कल्पना को साकार रूप देश के अंदर दे रहे हैं। एक वक्त था जब लोकसभा के अंदर 2 सांसद होते थे, तब विपक्ष ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का मखौल उड़ा करके कहा था, अटल जी हम दो हमारे दो। लेकिन अटल जी का विराट हृदय
और अटल जी का बड़ा मन, जो वो हमेशा कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, ये अटल जी के जो वाक्य लाइन थी। तो अटल जी ने लोकसभा के अंदर कहा था कि आप मजाक उड़ाइए, अपनी शैली के अंदर कहा था, समय बदलेगा, आपका ये घमंड चूर होगा, आप यहां पर होंगे और हम प्रचंड बहुमत से इस देश की लोकसभा के अंदर बैठे होंगे।